नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्न में से 1200 ईस्वी का सबसे पुराना पारसी लेख कहाँ स्थित है? आमेर में, चित्तौड़ में, अजमेर में या टोंक में? तो सही आंसर है अजमेर में, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से 1713 ईस्वी का दक्षिणामूर्ति लेख कहाँ स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जयपुर में? तो सही आंसर है बी ऑप्शन, उदयपुर में। निम्न में से प्राप्त शिलालेखों में से सबसे बड़ी प्रशस्ति किसे मिलती है या कहाँ मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या रायसिंह प्रशस्ति? तो राजसंबंद झील के किनारे स्थित ये राज प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है। निम्न में से इंदुपत किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, बप्पा रावल को या महाराणा लाका को? तो इंदुपत महाराणा सांगा को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। निम्न में से राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहाँ वर्णित किया गया है? राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ में, राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में, अजय राज के बिजोलिया शिलालेख में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन सही है, राय सिंह के जूनागढ़ शिलालेख में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण वर्णित किया गया है। मूर्तिकला के सिद्धांत सोमपुरा जाति के शिल्पी मूलतः कहाँ के निवासी थे? चित्तौड़गढ़ के, बांसवाड़ा के, उदयपुर के या डूंगरपुर के? बी ऑप्शन सही है, बांसवाड़ा के निवासी थे वो। जालौर का कश्मीर किसे कहते हैं? साचौर जालौर को, जसवंतपुरा को, बीनमाल जालौर को या बड़गांव रानीवाड़ा जालौर को? तो बड़गांव रानीवाड़ा जालौर को जालौर का कश्मीर कहते हैं, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से जाना जाता है? मारवाड़ रियासत, किशनगढ़ रियासत, भरतपुर रियासत या मेवाड़ रियासत? तो मेवाड़ रियासत के हाईकोर्ट को महेंद्राज सभा के नाम से भी जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश सरकार ने जैसलमेर के साथ नमक संधि कब की थी? 1850 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में? तो बी ऑप्शन सही, 1860 ईस्वी में। भरतपुर की जनता किसे शेरे भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? बाल मुकुंद विस्सा को, गोकुल जी वर्मा को, श्याम जी कृष्ण वर्मा को, वेद मदाराम को? तो शेरे भरतपुर के नाम से गोकुल जी वर्मा को संबोधित करती थी, बी ऑप्शन सही है। अंग्रेजों ने साबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया? 1864-65 ईस्वी में, 1874-75 ईस्वी में, 1869-70 ईस्वी में या 1861-62 ईस्वी में? सी ऑप्शन सही है, 1869-70 ईस्वी में अंग्रेजों ने साबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने गए थे? जापान, चीन, फ्रांस या इटली? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर चीन से युद्ध करने गए थे। जोधपुर में प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1882 ईस्वी, 1822 ईस्वी, 1881 ईस्वी या 1874 ईस्वी? तो जोधपुर में प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में की गई थी। 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो अलवर राज्य में सबसे पहले 1830 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, डी ऑप्शन सही है। कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य मांगरोल का युद्ध कब हुआ? 5 अक्टूबर 1822 ईस्वी, 1 नवंबर 1821 ईस्वी, 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी या 20 अक्टूबर 1831? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, महाराव और जालिम सिंह के मध्य 1 अक्टूबर 1821 ईस्वी को युद्ध हुआ। मास्टर आदित्येंद्र का शिष्य कौन है?
बाल मुकुंद बिस्सा, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट या इनमें से कोई नहीं। तो मास्टर आदित्य नांद का शिष्य प्रताप सिंह बारट है, सी ऑप्शन सही है। हरिबा उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? नवजीवन, सरस्वती, ओदुम्बर या भगवती। तो हरिबा उपाध्याय ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से हरिबा उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1894 में, 1896 में, 1892 में या 1895 में। तो हरिबा उपाध्याय का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? अमरचंद बाटिया राजस्थान के फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम राजस्थानी थे। मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई? 1940 ईस्वी, 1933 ईस्वी, 1932 ईस्वी या 1941 ईस्वी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 1941 ईस्वी में मेवाड़ हरिजन की स्थापना हुई। मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई, बी ऑप्शन सही है। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक कौन थे? तो हिंदी साहित्य समिति भरतपुर के संस्थापक जगन्नाथ अधिकारी थे। अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया? 1945 में, 1936 में, 1940 में या 1944 में। तो 1936 ईस्वी सही है, 1936 ईस्वी सही है, बी ऑप्शन सही है। अग्निबाण समाचार पत्र का प्रकाशन जयप्रकाश नारायण द्वारा सन 1936 ईस्वी में किया गया। जमनालाल बजाज स्वयं को कौन सा गुलाम कहते थे? गुलाम नंबर एक, गुलाम नंबर चार, गुलाम नंबर दो या गुलाम नंबर तीन। तो जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर चार कहते थे। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की थी? जयपुर में, जोधपुर में, करौली में या उदयपुर में। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना उदयपुर में की थी। बीकानेर में आज़ादी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? चौधरी हनुमान सिंह को, मदाराम वेद को, बीरबल सिंह को, कुंभाराम शर्मा को। बीकानेर में आज़ादी आंदोलन का जनक मदाराम वेद को माना जाता है। राजस्थान में नियुक्त पहला आईजीजी कौन था? रॉबर्ट लॉकेट क्यूवलैंड लॉरेंस। तो राजस्थान में नियुक्त पहला आईजीजी लॉकेट था। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को, मोहनलाल सुखाड़िया को, जयनारायण व्यास को या हीरालाल शास्त्री को। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वाले नेता कौन है? विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंकरवा, जमनालाल बजाज या दामोदर लाल व्यास। तो उत्तरदायी शासन की मांग उठाने वाले पहले नेता जमनालाल बजाज थे, सी ऑप्शन सही है। लक्कड़ आऊ कक्कड़ के नाम से किस नेता को जाना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, प्रेम नारायण माथुर या जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को लक्कड़ आऊ कक्कड़ के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन सही है। सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई थी? 1878 में, 1880 में, 1879 में, 1825 में। तो 1879 ईस्वी में सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से प्रकाशित हुई थी। दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो दैनिक नवज्योति का प्रकाशन 1936 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था?
उदयपुर से, कोटा से, जोधपुर से या जयपुर से? तो भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान में जोधपुर से सूत्रपात हुआ था। मत्स्य संघ का नाम किसके द्वारा दिया गया था? सरदार पटेल द्वारा, माणिक्यलाल मुंशी द्वारा, वीपी मेनन द्वारा या फजल अली द्वारा? मत्स्य संघ का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन सही है। मत्स्य संघ को 1949 में राजस्थान का भाग किस तिथि को बनाया गया? मत्स्य संघ को राजस्थान का भाग 15 मई 1949 ईस्वी को बनाया गया। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला? अजमेर, आबू, सुनेल टप्पा या उपरोक्त सभी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अभिशंसा से राजस्थान को ये सभी क्षेत्र मिले, अजमेर, आबू और सुनेल टप्पा सभी। अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? तो अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश उसको उसके अलग व्यवस्था के कारण सी श्रेणी का राज्य बनाया गया। 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया? तो 30 मार्च 1949 को 4 राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ? 18 अगस्त 1948, 18 अप्रैल 1948, 28 अप्रैल 1948 या 18 मई 1948? तो राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ, बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राजस्थान का नाम कब अंगीकृत किया गया? तो गणतंत्र दिवस जिस दिन संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान का नाम अंगीकृत किया गया था। वृहत राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? राजा राम सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा मान सिंह या सवाई जय सिंह? तो इस सही ऑप्शन है सी, महाराजा मान सिंह। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? एनवी गौड़गिल, शोभाराम कुमावत, पंडित हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, बी ऑप्शन सही है। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री पूछा है और यहाँ पर वृहत राजस्थान का, तो वृहत राजस्थान का मुख्य प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया? तो वर्तमान जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को अपने अस्तित्व में आया, तो बी ऑप्शन सही है, 1 नवंबर 1956। श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल या बूंदी प्रजामंडल? तो गोकुल भाई भट्ट वो सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। निम्न में से आबियाना क्या है? शिक्षा पर टैक्स, कुई पर टैक्स, पानी पर टैक्स या विवाह पर टैक्स? तो आबियाना पानी पर टैक्स को कहते हैं। दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, अर्जुन लाल सेठी को, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को या बोगीलाल पांड्या को? तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं। केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1941, 16 अप्रैल 1940, 11 अक्टूबर 1947 या 2 नवंबर 1945? तो सही आंसर है 14 अप्रैल 1941 को केसरी सिंह बारट की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी हत्या के संदेह में नज़रबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? कुशाल सिंह, भूपेंद्रनाथ द्विवेदी, एन बी खर्रे या गोकुल लाल असाव? तो महात्मा गांधी के संदेह में नज़रबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान एन बी खर्रे थे, सी ऑप्शन सही है। तलवार बंधाई क्या थी? सेनापति को दिया जाने वाला पुरस्कार, सैनिकों को अस्त्र शस्त्र देना,
उत्तराधिकारी शुल्क या पूर्व सैनिक की कुशलता का विधान। तो तलवार बंधाई उत्तराधिकारी शुल्क एक तरह का टैक्स था। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।